नमस्कार साथियों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फार्मिंग, जिसमें सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, रोज़ाना अपने इसी समय 9 बजे 9:15 बजे के आसपास एक वीडियो पोस्ट करते हैं और आज के भाव की अगर मैं बात करूं, क्या कुछ रहने की संभावना बन सकती है विशेषकर कॉटन की हो, तो कॉटन की साथियों अगर अपने बात करें तो आज NCDEX में 20-30 रुपये की मंदी है और MCX में भी 20-30 रुपये की मंदी है और US कॉटन में किसी प्रकार की मंदी नहीं है। तो अगर इन तीनों के अनुसार और बिनोड़े के अनुसार बात करें तो रात बिनोड़े में भी 10-20 रुपये के मंदे सौदे हुए हैं और इन तीनों चारों का कैलकुलेशन अगर अपने करें और विशेषज्ञों के अनुसार अगर अपने बातचीत करें तो आज आपका कॉटन की फसल है उसमें तकरीबन ये मान के चलें तेज़ी देखने को आपको नहीं मिलेगी। अगर दिन में MCX में NCDEX में या US कॉटन में किसी भी चीज़ में तेज़ी होती है तो हो सकता है आपको तेज़ी देखने को मिले, लेकिन फिलहाल आज बड़ी तेज़ी की ओर अपना कॉटन की फसल नहीं जाएगी। हालांकि पिछले 2-3 दिनों से तेज़ी थी, फिर भी कॉटन की फसल तेज़ी की ओर नहीं ग्रोथ हुई और आज तो फिर मतलब ही नहीं होता, लेकिन जो भी आगे की अपडेट होगी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपडेट दे दिया जाएगा। तो कॉटन के लिए मेरे साथी मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।